हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गए हैं और आज का ये जो वीडियो है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के ऊपर। तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल तो देखा ही होगा, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही लोगों के मन के अंदर कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं। तो वो जो बेसिक थियरम है एक, वो आज हम उसे प्रूव कर देंगे और आपको दिखाएंगे कि क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थियरम का जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। वो तो थियरम क्या कहता है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसे समझने से पहले हमें समझना होगा एंगल्स को। तो चलिए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इस थियरम को प्रूव कर देंगे। चलिए तो बेसिक पे आ जाते हैं और देखते हैं एंगल्स। तो पहले तो एंगल क्या है और वो कैसे बनता है वो हमें पता होना चाहिए, तो ही हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वो समझ पाएंगे और उसके बाद हम वो थियरम को प्रूव कर पाएंगे। तो एंगल्स एक्चुअली होते हैं रेस के फॉर्मेशन। तो रे क्या होता है, तो हमें पता है कि रे जो है उसके पास एक एंड पॉइंट होता है और वो वन साइड एक्सटेंड हो सकता है लिमिटलेस, राइट। तो ये हमारा रे ओए है, राइट। फिर अगर दूसरा कोई रे है जो सेम एंड पॉइंट में से ही ओरिजिनेट होता है, जैसे कि ये इसका एंड पॉइंट था, तो उसी एंड पॉइंट में से दूसरा एक रे ओ बी ओरिजिनेट हुआ है, तो ये जो बनता है उसे कहा जाता है एंगल, राइट। तो एंगल कैसे बनता है, तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू रेज, जैसे कि आप देख सकते हैं ओ ए एंड ओ बी, जिसका एंड पॉइंट क्या रहता है सेम। तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी है कि ये जो रहते हैं उसे कहा जाता है एंगल्स के आर्म और ये जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है वर्टेक्स। तो ये एंगल का बेसिक है। इसके ऊपर से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है, जैसे कि राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है, और इसके लिए हमें चाहिए होगा मेन एंगल, दैट इज स्ट्रेट एंगल। तो वो क्या है, तो उसके लिए चलिए हम पहले देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल एक्यूट एंगल भी क्या रहता है। तो हमारा जो एंगल का बाइफर्केशन है वो डिपेंड करता है हमारे डिग्रीज के ऊपर, ये कितनी डिग्री है, और मेनली वो 90 के ऊपर से बेस्ड है। कैसे, तो अगर आपका कोई एंगल है जैसे कि ये एंगल है, तो अगर ये एंगल 90 से कम है, हमारा 90 ये रहेगा, तो ये एंगल कैसा रहेगा, लेस देन 90, चलिए मान लेते हैं कि वो है 40 डिग्रीज। तो अगर आपका ये एंगल, इसे हम थीटा दे देंगे, अगर आपका ये थीटा थीटा कैसा है, लेस देन 90 है, तो हम लिखेंगे थीटा लेस देन 90, तो उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। फिर दूसरा केस आएगा, अगर आपका एंगल 90 से बड़ा है, यहाँ पे आपका 90 रहेगा, तो ये एंगल कैसा रहेगा 90 से ज़्यादा, चलिए इसे हम ले देंगे 120 डिग्री है सपोज, तो थीटा हमारा ऐसा है, तो यहाँ पे केस कौन सा रहेगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वो कैसा एंगल कहा जाएगा, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आएगा अगर वो इक्वल टू 90 है, तो हम कहेंगे दैट इज द स्ट्रेट लाइन, तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो उसे कहा जाता है राइट एंगल। फिर आगे आएगा हमारा स्ट्रेट एंगल, उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये दो रे से एंगल बना, फिर से ये दो रे से एंगल बना, ये दो रे से एंगल बना। अगर अब ये हमारा पॉइंट है, ये एक रे है, दूसरा रे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, लेकिन एग्जैक्टली उसी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट इज हमारा रे ओए, और एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास है रे ओ बी, सच दैट दे आर कोलिनियर।
आप देख सकते हैं। तो वो क्या बन जाएगी, एक लाइन, और ये जो एंगल रहेगा वो कितना बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे 90 ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये 90 प्लस 90, सो दैट विल बी 180। तो जब भी एंगल 180 रहता है तो उसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेट एंगल, राइट। तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। और लास्टली एक टाइप है, दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल। तो रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल क्या रहता है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ए ओ बी। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, ए ओ बी, या तो फिर आप लिख सकते हैं, सॉरी मैं आपको लिखा देता हूँ, आप लिख सकते हैं ए ओ बी या तो फिर बी ओ ए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। तो रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या रहेगा, ये हमारा एंगल है, तो उसके अलावा जितना भी एंगल बचता है, तो हमारा ये इतना एंगल बचता है, तो वो एंगल रहेगा आपका रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल। तो हमें पता है टोटल एंगल कितना रहता है, 360। हमारे पास है टोटल एंगल इज इक्वल टू 360। तो हमें इतना नहीं चाहिए, इसके अलावा पूरा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 360 में से इसको माइनस कर दूंगा। तो दैट इज 360 में से ये एंगल माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी माइनस हो गया है। तो जो बचता है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल। तो ये है हमारा एंगल का बेसिक। अब एंगल के बेसिक पे से हम एक सिंपल एक्सियम है जो हम डिराइव कर सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास एक लाइन है, तो मेरे पास ये है लाइन ए बी, और उस लाइन में से हम कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक लेंगे, और उस पॉइंट में से हमारे पास एक रे है, तो रे ओ पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एंगल बनेंगे, एक तो ये रहेगा और एक हमारा ये एंगल रहेगा। तो ये दो एंगल को हम क्या कह सकते हैं, तो ये दो एंगल को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे ये जो एंगल है हमारा ए ओ पी और एंगल है बी ओ पी, ये दो एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल किसके ऊपर बने हुए हैं, तो लाइन के ऊपर। और हमें पता है एंगल ए ओ बी क्या रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ए ओ बी क्या रहेगा, 180 डिग्रीज। लेकिन एंगल ए ओ बी को हमने डिवाइड किया है दो पार्ट के अंदर, ए ओ पी और बी ओ पी। आप देख सकते हैं ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा। सो हमें मिलेगा देयर फॉर एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये यहाँ पे एक आपका दूसरा एक्सियम प्रूव हो गया है, और इस एक्सियम को कहा जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मीनिंग क्या है, कि अगर वो लीनियर पेयर है, मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर एक रे ने दो एंगल को डिवाइड किया हुआ है, तो वैसे टाइप के एंगल्स का सम ऑलवेज 180 रहता है, उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये हम यहाँ पे क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक हम यूज करने वाला है थियरम के अंदर। तो आपको ये पता चल गया होगा कि लीनियर पेयर क्या है। तो अब हम करेंगे थियरम को सॉल्व। चलिए, तो हमारा थियरम क्या था वो एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हमें तो पहले क्या चाहिए होगी, दो लाइन चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे कुछ ऐसे। तो ये है हम मेरी लाइन ए बी, और दूसरी एक लाइन चाहिए होगी मुझे, क्योंकि मुझे इंटरसेक्ट करवानी है। तो इफ टू लाइंस, तो दिस आर टू लाइंस सी बी। तो ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है। नाउ इफ दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पहले ये समझना होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा कि एंगल कुछ ऐसा होता है, तो ये एंगल है, राइट। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं पीछे कुछ ऐसे, और इसको मैं एक्सटेंड करूं एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे, तो यहाँ पे ये जो एंगल था उसका सिमिलर एंगल ये बनेगा,
आप देख सकते हो उसको हमने अगर एक्सटेंड किया तो हमें ये एंगल मिला है। तो ये एंगल और ये एंगल को कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और थियरम क्या कहता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब हमें ये तो पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो इक्वल है। और एक चीज़ कि यहाँ पे हमने यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ किया कुछ ऐसी है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि पूरी एक लाइन है। तो ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, आप देख सकते हैं। तो अब ये एंगल भी अगर मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करूँगा तो मुझे कुछ ये लाइन मिलेगी, और ये लाइन को मैं अगर पीछे एक्सटेंड करूँगा तो मुझे ये मिलेगी, राइट। तो ये भी एक एंगल बन गया। तो ये दोनों भी कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस टाइप के एंगल्स को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट। अब यहाँ पे भी ये सेम केस है, तो हमें यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलने वाला है, दैट इज ये और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा कौन सा रहेगा, ये और ये। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सिंगल लाइन और डबल लाइन लगा है कि ये इसकी पैर है। और सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर लेंगे, हम इनको नेम दे देंगे, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री और एंगल फोर, राइट। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा रहेगा ओ। तो अब हमारे पास पूरा सेट रेडी है, डायग्राम है। अब हम इसमें से प्रूव करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, टू एंड फोर एंड वन एंड थ्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे प्रूव क्या करना है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं गोल सेट कर रहा हूँ कि गोल क्या है मेरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो मैं प्रूव करूंगा दोनों को कर सकते हैं हम, दैट इज एंगल वन का वर्टिकली अपोजिट रहेगा एंगल थ्री, ये हमारा फर्स्ट है। और दूसरा रहेगा हमारा टू इज इक्वल्स टू फोर, राइट। हमारे पास ये दो आ गए। अब मुझे प्रूव करना है वन इज इक्वल टू थ्री, पहले हम ये प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रूफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल वन और एंगल टू जो है वो सेम लाइन के ऊपर है, ए ओ बी। आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन है हमारी ए बी, और ये पॉइंट में से ही बन रहा है एंगल। तो कुछ ऐसा है अभी हमने जो सीखा है, दैट इज योर ए बी विथ ओ एंड सी। यहाँ पे आपका एंगल वन है, यहाँ पे एंगल टू है। तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, ये हमारा, ये दो एंगल कैसे रहेंगे, एडजेसेंट एंगल। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये दोनों एंगल वन प्लस एंगल टू विल बी 180, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल वन एंड एंगल टू फॉर्म्स ए लीनियर पेयर, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म लीनियर पेयर। सो अगर वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल वन प्लस एंगल टू इन दोनों का टोटल क्या रहेगा, 180 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ वन, मुझे इसके आगे कुछ नहीं पता है तो मैं यहाँ पे उसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यही रिलेशन क्यों यूज़ किया है, बिकॉज हमारे पास दूसरा कोई बेसिक में से रिलेशन ऐसा नहीं है जो यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम कह सकते हैं अगर ये लाइन के ऊपर है तो ये दो एंगल सिर्फ लीनियर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने एक जो हमारा बेसिक में से हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी, वो हमने यूज़ कर ली है। फिर मुझे वन और टू तो नहीं चाहिए, मुझे प्रूव करना था वन और थ्री, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। तो मुझे प्रूव करना है वन इज इक्वल टू थ्री, लेकिन मेरा यहाँ पे थ्री तो आया ही नहीं है, तो मुझे थ्री की ओर बढ़ना है। तो मैं क्या करूँगा, वन से टू गया लेकिन मुझे नहीं चाहिए था टू, तो मैं आगे बढ़ूंगा, दैट इज टू से थ्री देखेंगे। तो अगेन क्या है, सी डी एक लाइन है, फिर से सेम केस, ओ बी रे है, तो टू एंड थ्री विल बी एडजेसेंट एंगल। तो यहां पे मैं एक ऐड कर लेता हूं, ए बी इज ए लाइन, राइट। तो इसकी वजह से हम यहां पे ये लिख सकते हैं, देयरफॉर सिमिलरली यहां पे लिखेंगे सी डी इज ए लाइन, सो देयरफॉर हमारे पास रहेगा एंगल टू एंड एंगल थ्री फॉर्म्स ए लीनियर पेयर। सो देयरफॉर एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180। तो ये रहेगा हमारा इक्वेशन टू। अब यहाँ पे फिर से गाड़ी हमारी रुक गई। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में वन मिल गया है मेरे को, और सेकेंड इक्वेशन में मेरे को थ्री मिल गया है। और आप देख सकते हैं ये हमारी जो राइट हैंड साइड है इक्वल टू की राइट वाली, दैट इज राइट हैंड साइड है, वो दोनों में क्या है, 180। तो मैं ये दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ।
तो मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग वन एंड टू, तो वन एंड टू को मैं कंपेयर करूंगा तो 180 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। माई आर एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो मैं यहां पे लिखूंगा एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री, सो देर फॉर एंगल वन, अब ये एंगल टू को हम वहां पे ले जाएंगे तो देट विल बी इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री, प्लस एंगल टू यहाँ पे आएगा तो माइनस एंगल टू, तो प्लस एंगल टू माइनस एंगल टू कैंसल, तो हमें मिलेगा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। तो यहाँ पे आपका थियरम प्रूव हो गया है कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। तो ऐसे ही सिमिलर फॉर्म में आप टू को फोर प्रूव कर सकते हैं। कैसे, तो अगर आप ये लाइन ले लीजिए पहले सी डी और उसके बाद ले लीजिए ए बी, ये वाला थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू, तो फिर से आप ये प्रूव कर सकेंगे। तो दैट इज द बेसिक थियरम दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।